नमस्कार, मैं राधिका गुजर एचपी न्यूज 24 पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की खबर। देश धर्म को गंगा, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करेंगे बजरंगी। विश्व हिंदू परिषद की युवक इकाई बजरंग दल के मध्य भारत प्रांत शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित होने हेतु प्रखंड नरसिंहगढ़ से प्रशिक्षार्थी युवकों का दल हुआ रवाना। विश्व हिंदू परिषद के जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों ने नरसिंहगढ़ स्थित श्री मारुति नंदन मंदिर परिसर पर मंगल तिलक, बजरंग दल का पवित्र गमछा, पुष्प एवं वैदानिक मंत्र उच्चारण के साथ की बजरंगियों की विदाई। कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुशासित जीवन तथा राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा एवं धार्मिक संस्कार की सर्वोच्चता के निमित्त आयोजित इस 7 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण वर्ग में सैकड़ों युवा प्रशिक्षित होकर अपने अपने क्षेत्रों में धर्म तथा राष्ट्रहित के पुनित कार्यों में अपना पूर्ण योगदान देने को संकल्पित होकर लौटते हैं। और हम घर घर जाकर, गांव गांव जाकर बजरंग दल के जिन भी कार्यकर्ताओं को बजरंग दल से जोड़ते हैं, कैसे उनको बजरंग दल में काम करना है, कैसे समाज के बीच में जाके समाज की सेवा करना है, धर्म के लिए काम करना है, इसको लेकर बजरंग दल साल में एक बार प्रांत के अंदर 2 जगह पर बजरंग दल का शिविर लगाता है, वर्ग लगाता है। उस वर्ग के अंदर कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है, शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, बौद्धिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उनको बताया जाता है किस प्रकार हमको समाज के बीच में रहकर समाज को जोड़ने का काम करता है। आज उसी क्रम में हमारे नरसिंहगढ़ प्रखंड के कई कार्यकर्ता बजरंग दल के वर्क के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। सभी को कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और समाज से आग्रह कि आप भी बजरंग दल से जुड़िए और बजरंग दल का काम करिए। जैसा कि जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है शिक्षा, और बजरंग दल शिक्षा, सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लक्ष्य को लेकर ही चलता है। तो जो एक शिक्षा का पहलू होता है, वही एक तरह की शिक्षा है बजरंग दल की, कि समाज की सेवा किस प्रकार की जाए, धर्म की रक्षा किस प्रकार की जाए। इसके लिए हमारे प्रखंड से सभी कार्यकर्ता आए हैं और वो वर्ग करने के लिए भोपाल जा रहे हैं। मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि वो अच्छे से वर्ग करें और वर्ग में शिक्षा प्राप्त करके और हमारे देश और धर्म की सेवा में लगे रहें। जय श्री राम। यही बजरंगी आने वाले समय में गो माता की रक्षा, माँ भारती की रक्षा और लव जी आदियों से हिंदू बहनों की रक्षा करेंगे। सभी बजरंगियों को शुभकामनाएं। जय श्री राम।